अब मुझे मैं आपको कैसे समझाऊं कि अदिति जी को पता ही नहीं था कि उस पर्स में पैसे कम है। उसमें से 1 लाख रुपए मैंने निकाल लिए। 6 बजने वाले हैं। अगर आपने कंप्लेंट वापस नहीं ली, अगर आपने अभी कंप्लेंट वापस नहीं ली तो 2 दिन अदिति जी को जेल में गुजारने पड़े। 2 दिन नहीं, सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा वो। और इतना ही नहीं, तुम सब लोगों ने यहाँ आकर के मेरे साथ जो मजाक किया है ना, उसकी सजा भी उसी को मिलेगी, तुम्हारे पति को। लाना भेजूंगा उसको, मेरे पांव को चूमे और फिर मुझसे माफी मांगे। माफी मांगी जाएगी, लेकिन अदिति नहीं, आप मांगेंगे अदिति से अपनी गलती के लिए। से अभी से उसकी उल्टी पुल्टी शुरू। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक शुरू। एक तो तुम्हारे उस लुच्चे पति ने यहाँ आकर के चोरी की और तुम सब आकर के मेरे सामने सीनाजोरी कर रहे हो। पति से जाकर के कहो कि वो यहाँ आए, देवी माँ के प्रसाद के लिए मना कर रही है। मैंने कहा नहीं लो, तुम्हारे हाथों से देवी माँ का पवित्र प्रसाद नहीं ले सकती। जिस आदमी ने मेरे पति को जेल भिजवाया, अपमान किया, बिना दोषी हुए आरोप लगाए, ऐसे आदमी के हाथ से प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती मैं। अब मुझे मैं आपको कैसे समझाऊं कि अदिति जी को पता ही नहीं था कि उस पर्स में पैसे कम है। उसमें से 1 लाख रुपए मैंने निकाल लिए थे। माता रानी की कसम, माता रानी के दरबार में उनके सामने खड़े होकर मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगी। आपसे मेहरबानी करती हूँ कि आप ये कंप्लेंट वापस ले लीजिए। 6 बजने वाले हैं। अगर आपने कंप्लेंट वापस नहीं ली, अगर आपने अभी कंप्लेंट वापस नहीं ली तो 2 दिन अदिति जी को जेल में गुजारने पड़ेंगे। मेहरबानी करके कंप्लेंट वापस ले। 2 दिन नहीं, सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा वो। और इतना ही नहीं, तुम सब लोगों ने यहाँ आकर के मेरे साथ जो मजाक किया है ना, उसकी सजा भी उसी को मिलेगी, तुम्हारे पति को ही मिलेगी।